नमस्ते दोस्तों, जयपुर जायका में आपका फिर से स्वागत है। आज हम शकरकंद यानी स्वीट पोटैटो की टिक्कियां बनाएंगे। तो ये बहुत ही टेस्टी बनती है, थोड़ी मिठास होती है इसमें नेचुरल ही। तो आइए इस टेस्टी सी टिक्की को बनाते हैं। तो ये देखिए, टिक्की बनाने के लिए मैंने आधा किलो शकरकंद लिया और इसे बॉईल करके इसका छिलका निकाल लिया है। तो आप इसे इस तरह से मैश कर लीजिए, चाहे हाथ से कर लीजिए या किसी भी स्पून से। और देखिए, नमक है, अमचूर है, काली मिर्च है, गरम मसाला, जीरा और लाल मिर्च, मैंने ये मसाले लिए हैं। आप कुछ और भी ऐड कर सकते हैं अपने टेस्ट से। और थोड़ी सी ये कटी हुई हरी मिर्च लिए, तो हरी मिर्च थोड़ी तीखी वाली लें क्योंकि शकरकंद मीठा होता है। और ये 2 से 3 चम्मच इसमें हम कॉर्नफ्लोर डालेंगे। आप चावल का आटा, अरारोट, मैदा कुछ भी डाल सकते हैं। और इसको हम अच्छे से मिला लेंगे। तो आप ध्यान रखिए कि इसमें चावल का आटा भी डाल सकते हैं, उससे बहुत टेस्टी बनती है ये। तो थोड़ी क्रिस्प बनेगी ये डालने से और बाइंडिंग भी अच्छी हो जाती है। तो अब इनको हाथ से अच्छे से मिला लीजिए। तो ये देखिए, हाथ पर हम थोड़ा सा घी लगाएंगे और इसकी हम गोले ले लेंगे इस तरह से, और उसको टिक्की की शेप दे देंगे। तो ये साइज़ भी आप अपने अकॉर्डिंग छोटा बड़ा कर सकते हैं। बाकी बहुत बड़ी नहीं बनाए तो अंदर से कुक नहीं होती है, मीडियम साइज़ में बनाए तो अच्छे से ये क्रिस्प हो जाती है और अंदर तक कुक हो जाती है। तो देखिए, एक नॉन स्टिक पैन लिया है मैंने, इसमें 2 से 3 चम्मच आप घी डालिए और इसको आप घी में बनाइए, ज़्यादा टेस्टी बनती है ये। तो जब घी गर्म हो जाए तो आप मीडियम फ्लेम पर हम ये टिक्कियाँ इसमें डाल देंगे और मीडियम फ्लेम पर ही कुक करना है। तो बहुत जल्दी क्रिस्प हो जाएंगी, बहुत अच्छा कलर आएगा इसका। तो आप 5 से 10 मिनट पकाइए और फिर चेक कर लीजिए। तो अभी देखिए, एक साइड से बहुत अच्छे से कुक हो गई हैं, इतना अच्छा कलर आया है, क्रिस्प हो गई हैं। तो आप इनको पलट दीजिए और इसी तरह से 5 से 7 मिनट आप दूसरी साइड से भी कुक कर लीजिए और फ्लेम को मीडियम रखना है। तो देखिए, इस तरह से थोड़ा आप दबा भी लीजिए इनको, तो ये और क्रिस्प हो जाएंगी और अंदर से अच्छे से कुक हो जाएंगी। तो इस तरह से ये हमारी टिक्कियाँ बन के रेडी हो जाएंगी। तो स्वीट पोटैटो टिक्की देखिए रेडी है। तो इसको आप चटनी के साथ खाइए या फिर सॉस के साथ या दही के साथ, बहुत टेस्टी लगती है। सर्दियों में बहुत आती है शकरकंद, आप खाइए इसको, बहुत टेस्टी होती है, हेल्दी तो होती ही है।